उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर एक युवती से फेसबुक पर अभद्रता करने का मामला सामने आया है। युवती ने हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर फेसबुक पर उसके साथ बदतमीजी और अभद्रता करने का भी आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल मामला थाना मझोला क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी पर आरोप लगाते हुए फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी और अन्य फेसबुक साथियों पर भी अभद्रता करने का आरोप लगाया है। युवती ने परेशान होकर थाना में अपनी तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। युवती का आरोप है कि उसने वैलेंटाइन वीक को लेकर फेसबुक पर अपने पति के साथ एक पिक पोस्ट की थी, जिस पर बोलते हुए जिला प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी ने फेसबुक पर मारपीट करने की धमकी दी थी, जिसके बाद उसने अन्य साथियों के द्वारा भी कुछ इसी तरह की प्रकार की प्रतिक्रिया जाहिर की गई। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दली की रिपोर्ट। मामला ये था कि मेरे हस्बैंड का और मेरा फोटो था जिसको मैंने शेयर किया था, मेमोरी जो शेयर करते हैं तो उस पर अंकित शर्मा है जो हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी हैं, तो उन्होंने ये लिखा कि तुम जैसे लोगों को 14 फरवरी को अच्छे से तोड़ूंगा। मैंने उनको लिखा जो आप समझ रहे हैं वो गलत है, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं और आप तोड़ने की बात करें आप मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। उन्होंने अपना कमेंट डिलीट कर दिया। मैंने उनकी पोस्ट पे जाके ये लिखा कि आपके अंकित शर्मा तो मेरे सवालों के दिए बगैर ही मुझे ब्लॉक कर कर भाग गए कमेंट डिलीट करके। उसके बाद में बात चलती रही, उनके ही कुछ लोग जैसे दीपक कालागढ़, अमन कश्यप और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत बहुत भद्दी लैंग्वेज बोले, कितने पैसों में बुक करना है, घर कहाँ है। मैंने उनको घर का एड्रेस भी दिया, मेरा घर का एड्रेस ये है, आप मेरे घर पर आके बोले घर में घुस के मारेंगे। मैंने ठीक है मैंने एड्रेस दे दिया, दम है। मैंने ये भी बोला, खुले में कह रही हूँ कि अगर हिंदू की औलाद हो तो मेरे घर में आके मुझे मारो, और जान से मारने की तो धमकी दी है मुझे। और मुझे डर की वजह से मैं फिर थाने भी गई थी, पूरा दिन तो मैं घर पर ही रही थी, डर इतना था क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं, कुछ भी कर सकते कार्यकर्ता हैं। मैं मेरे पास उसके सारे एविडेंस हैं जो मुझे धमकी दी, सारे स्क्रीन शॉट हैं, और यहाँ तक कि फैसला नामे के लिए दबाव बनाया जा रहा है मेरे पे। आप अधिकारियों से किस किस से आप मिले थे, किस किस से आपने दुहार लगाई और किस अधिकारी ने सुनवाई करी क्या नहीं करी? मैं थाना गई थी मझोला थाने, उन्होंने मैं गई सर मेरे साथ ये हुआ है, तो उन्होंने ये कहा खुले शब्दों में कि आपसे पहले अंकित शर्मा अपने 15 लोगों को लेके यहाँ आए थे आपके खिलाफ मुकदमा देने, मुकदमा लिखवाने के लिए, और उनकी तहरीर मेरे पास पड़ी होगी। जब मैंने आप उनका मुकदमा नहीं लिखा, आपका मुकदमा मैं कैसे लिख सकता हूँ, उनको क्या जवाब दूंगा? उन्होंने मुझसे कहा 2 दिन का टाइम दीजिए, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आना। तो 2 दिन में, 2 दिन के अंदर अगर मेरे साथ कोई वारदात होती है उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं तो सीधा अंकित शर्मा को, उसके कार्यकर्ता को दोषी ठहराऊंगी, मैं इस बात को खुले में कह रही हूँ। आपकी FIR हुई? अभी तक कोई FIR नहीं हुई है। तो पुलिस करने के लिए तैयार है, FIR नहीं कर रही? नहीं, मैंने SSP को भी कॉल किया था, मैंने सर ऐसे मामला है, उन्होंने कहा हाँ संज्ञान में है, हमने आपके थाने में बोल दिया है, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई हुई नहीं है। फेसबुक के व्हाट्सएप के जरिए क्या क्या मैसेज आपको भेजा? फेसबुक के जरिए बहुत गंदी लैंग्वेज जो मैं आपको बता नहीं सकती, यहाँ तक कि मेरी कीमत तक लगाई गई, एक एक रात की कीमत क्या है, और घर में घुसकर बोले जिस बिस्तर पर लेटी है उसके साथ से खींच के मारूंगा, ये सब बहुत बदी लैंग्वेज आप जो मेरे पास छाया पड़ती है जो मैं आपको भेज दूंगी। अगर घर में बैठूंगी क्या करूंगी, बस यही सोचूंगी लड़कियों को इंसाफ नहीं मिलता है, क्योंकि जिसके अंदर पावर है वही जीतेगा, लेकिन हम लोग कहाँ जीत पाएंगे? लेकिन मेरी जान को खतरा है, अगर मेरे साथ कुछ घटना होती है, दुर्घटना होती है, इसका प्रशासन को दोष दूंगी, और उनके कार्यकर्ता जैसे कि अंकित है, दीपक कालागढ़ है, और भी उनके अन्य साथी हैं अमन कश्यप जैसे। क्या मामला था पूरा? ये थाना मझोला क्षेत्र में एक महिला ने कंप्लेंट दी है कि फेसबुक पे उस पर कुछ लड़कों ने अशिष्ट कमेंट्स किए हैं, जिसके आधार पर IT एक्ट के अंदर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, किसी पार्टी के बताया जा रहा है सर? ये
ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, उसमें कुछ पार्टी के पदाधिकारियों का नाम बताया, उस पर विवेचना की जा रही है। सर कौन सी पार्टी की जा रही है इसमें? ये हिंदू युवा वाहिनी के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट की है। कितने लोग सर, क्या क्या नाम है सर? इसके बारे में विवेचना में जो भी प्रकाश में आएगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।